हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये बीएड का प्रैक्टिकल है, इस पे देखिए रूल्स दिया हुआ है। कोई भी सिंगल अल्फाबेट दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक है। कोई भी अल्फाबेट आसपास भी नहीं होना चाहिए। ए बी सी कैपिटल लेटर लिखना चाहिए और इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए आप, ये देखिए, इस तरह भी नहीं होना चाहिए, इस तरह भी नहीं होना चाहिए, ये सीधे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी शुरू करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं ए लिखूंगी, ए। वाई जेड, ठीक है, ये जेड तक मैंने लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे देखिए, आसपास में ए बी सी कुछ भी नहीं लिखूंगी। यहाँ पे मैं एफ से शुरू करूंगी, ठीक है। एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, स्टार्टिंग में यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे मैंने जेड पे कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पे ए है, तो मैं ए दोबारा नहीं लिखूंगी। फिर से मैं जेड ए है, तो मैं अभी बी, ए के बाद क्या आता है, बी, मैं बी से शुरू करूंगी। देखिए बी सी डी ई ई, ये देखिए। तो अभी आप देखिए, ये लाइन में जो सब अलग अलग अक्षर मिलेंगे आपको, एक जैसा दोबारा वर्ड्स नहीं मिलेगा आपको अक्षर। ये देखिए ए, फिर उसके बाद देखिए एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड तक मैंने लिख लिया था। तो फिर यहाँ पे ए है बोल के, फिर दोबारा मैं ए है बोल के, उसके बाद मैं बी से शुरू किया मैंने, बी सी डी ई, ठीक है। इस तरह आपको लिखना है, मैं दोबारा आपको दिखाऊंगी, आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से। आप देखिए ये वीडियो, अभी देखिए यहाँ पे बी है और यहाँ पे एफ है, तो मैं ये दूर से अक्षर उठाऊंगी, जैसे कि जेट है, तो मैं जेट से शुरुआत करूंगी। अभी यहाँ पे ये देखिए जेट लिखूंगी, ये जेट जेट, फिर इसके बाद मैं लिखूंगी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है, एक्स तक लिखा है मैंने। तो यहाँ पे देखिए बी है, अभी मैंने कहीं पे शायद डबल बी लिखा है, ये देखिए मैंने लिखते लिखते मैंने दोबारा डबल बी लिख दिया है, ये डबल नहीं होना चाहिए, तो इस बी को हम मिटा देंगे। इस तरह आप जरूर चेक करें, ये बी को मैं मिटा दूंगी, क्योंकि ये दो बार हो जाएगी, तो इसे मैं मिटा दूंगी। तो मैंने खत्म कहा से किया था, जेट, ठीक है, तो जेट सॉरी एक्स, एक्स एक्स पे मैंने खत्म किया था, तो एक्स, तो अभी इसके बाद क्या होगा, एक्स के बाद होगा वाई, ठीक है, वाई, क्योंकि जेट ऑलरेडी यहाँ पे है। अभी आप ये अक्षर चेक कर सकते हैं, ये इस तरह भी नहीं मिलेंगे, इस तरह भी नहीं मिलेंगे और सीधे भी नहीं मिलेंगे। ये सब अल्फाबेट जो अलग अलग है, इसको आपको मुंह से याद रखना है, मुंह से बोल बोल के आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि ये हमें सी हो गया है, तो ये हमें मैं एम से शुरू करूंगी, ठीक है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, जेड, फिर उसके बाद फिर से स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। जेड का पहला अक्षर क्या होता है, ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है। ये देखिए, इस तरह भी नहीं मिल रहा है, इस तरह भी नहीं, इस तरह भी नहीं, इस तरह भी नहीं, आप जैसे भी करके देखिए नहीं मिलेगा आपको, हमेशा बोली जो आप पढ़ रहे हैं उसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये देखिए सी है, मैंने सी शायद दोबारा लिखा है, तो ये सी देखिए मैंने दोबारा लिखा है, तो इसे मैं फिर से दोबारा मैं मिटा दूंगी। लाइन में एक अक्षर दोबारा नहीं होना चाहिए, तो ये सी को मिटा दूंगी मैं। तो मैंने खत्म कहाँ पे किया था, जे के, देखिए के बाद क्या होगा, एल, तो यहाँ पे एल आ जाएगा, ठीक है, एल, तो एल, फिर देखिए एम एन ओ पी क्यू, सब कुछ है, सब अलग अलग अक्षर है, ये देखिए आप अच्छे से देखिए, अलग अलग अक्षर है सब, एक जैसा नहीं होना चाहिए। समझ में नहीं आता है तो मैं दोबारा समझाऊंगी आप लोगों को,
ये देखिए फिर से ये डी है, तो डी से मैं शुरुआत करूंगी, अब ए जी से शुरू करूंगी। ठीक है, कोई भी अक्षर आप उठा लीजिए जो आसपास में ना हो, तो मैं जी से शुरू करूंगी। अब मुंह से जो बोलते हैं ना वो अच्छी तरह से रिपीट करते रहिए, आसपास में भी जरूर देखे। ये देखिए डी, ये देखिए यहाँ पे डी है, ये देखिए दोबारा मैं दिखा रही हूँ, ये डी है, फिर यहाँ पे देखिए आसपास में जी नहीं है बोल के मैं जी से शुरू कर रही हूँ। जी, जी के बाद क्या होता है एच, आप हमेशा मुंह से बोलते रहिए ना भूले, हाँ बोलना आपको चालू रहना चाहिए। ये देखिए जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, जेड आई फिर स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, ए बी सी, यहाँ पे सी है, फिर ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में लिख लिया था डी, तो यहाँ पे मैं डी नहीं लिखूंगी, डी के बाद होता है ई, ये हो गया एफ। ठीक है, ये देखिए आपका कोई भी अक्षर एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग है अल्फाबेट, ये देखिए और कैपिटल लेटर होना चाहिए, ये देखिए इस तरह जरूर लिखे, ये देखिए हाँ इस तरह आप लोग जरूर लिखे, आप लोगों का जरूर सही होगा, गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए एक भी अक्षर आसपास में नहीं है एक जैसा अक्षर, ये देखिए अच्छे से देखिए सब अलग अलग अक्षर मिलेंगे आपको, यह देखिए और कैपिटल लेटर ही होना चाहिए, ये देखिए इस तरह आप लोग जरूर लिखे, आप लोगों का जरूर सही होगा, और चेक जरूर करें, लिखते समय चेक जरूर करें आसपास में एक जैसा अक्षर ना हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए एम से शुरू किया, एम ये देखिए एम से शुरू करके मैंने, ये देखिए एम से शुरू करके ये देखिए के पे खत्म किया। ठीक है, ये देखिए के पे खत्म किया, फिर यहाँ पे देखिए वाई है, तो मैंने फिर यहाँ पे जी से शुरू किया। ठीक है, ये देखिए जी से शुरू करके देखिए जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, देखिए एक्स यहाँ में हो गया, ठीक है एक्स यहाँ पे, तो ये वाई मैंने यहाँ पे लिखा था पहले से ही। ठीक है, ये देखिए वाई मैंने पहले से लिख के रखा था वाई, ठीक है तो वाई, ये देखिए जेड कंप्लीट हो गया, एक जैसा अक्षर आपको दोबारा नहीं मिलेगा, यहाँ पे देखिए सब अलग अलग अक्षर है, ये देखिए आप अच्छे से देखिए ये लाइन देखिए सब अलग अलग अक्षर है, आसपास पे भी नहीं है, ये देखिए इस तरह देखिए इस तरह देखिए, ये देखिए सारे देख सकते हैं आप, देखिए मैं पढ़ के सुनाती हूँ, यहाँ पे देखिए पूरा ए से लेकर जेड तक आपको मिल जाएगा ये लाइन पे, ये देखिए मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ए, ठीक है बी सी, इसके बाद देखिए डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, फिर उसके बाद देखिए पी, फिर उसके बाद क्यू क्यू आर एस एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये देखिए जेड यहाँ पे। ठीक है, इस तरह आप लोगों को लिखना है, इस तरह लिखेंगे तो बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगा, सही से लिखिएगा आप लोग, आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक।